राज्यपालांनी बोलवलेले विशेष अधिवेशनाचे हे सत्र असंवैधानिक. भाजपकडून राज्यघटनेच्या चिंधड्या उडवल्या जात आहेत, संजय राऊत यांचा आरोप. राज्यपालांनी बोलावलेले विशेष अधिवेशनाचे हे सत्र असंवैधानिक. भाजपकडून राज्यघटनेच्या चिंधड्या उडवल्या जात आहेत, संजय राऊत. राज्यपालांनी बोलावलेले विशेष अधिवेशनाचे हे सत्र असंवैधानिक असल्याचा दावा शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केला आहे. शिवसेनेच्या 16 आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित होत असताना दुसरीकडे अशा प्रकारचे आदेश देणे हे चुकीचे असल्याचं त्यांनी सांगितलं. भाजपकडून राज्यघटनेच्या चिंधड्या उडवल्या जात असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर संजय राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. राज्यपालांनी दिलेले आदेश हे राफेलच्या वेगापेक्षा अधिक वेगवान असल्याची उपरोधिक टीका त्यांनी केली. आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात असताना दुसरीकडे बहुमत चाचणीचे आदेश देणे चुकीचं असल्याचं राऊत यांनी सांगितलं. शिवसेना या आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. राफेल का स्पीड भी कम पड़ेगा. राफेल जो फाइटर है उनका स्पीड भी यहाँ कम पड़ रहा है, इतनी स्पीड से हो रहा है. कल तो देवेंद्र फडणवीस जी का कुछ सामने से बयान आया ऑन रिकॉर्ड कि 39 ऐसे एमएलए से कांग्रेस एनसीपी के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं. नहीं, हमारे पार्टी में महाविकास आघाड़ी की बात क्या है वो हम देख लेंगे, लेकिन आप उसका मतलब यह है कि आप भी उस एमएलए को तोड़ने में आपका योगदान रहा है, पर्दे के पीछे से तोड़फोड़ की राजनीति में. करने दो, इस प्रकार से आप सत्ता हथियाना चाहते हो तो आपको मुबारक है, लेकिन इतना आसान नहीं है. महाराष्ट्र में अगर इस प्रकार से आप अनलॉफुल एक्टिविटीज करेंगे राजनीति में और असेंबली में, गवर्नर हाउस में, तो जनता देखती है सब कुछ, जनता चुप नहीं बैठेगी. राज्य की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कहती है कि बड़ी डिस्टर्बिंग पिक्चर है पॉलिटिकल सिनेरियो उसकी. मैंने डिस्टर्बिंग सिनेरियो किसने निर्माण किया है? मैंने कहा ना कि ये डिस्टर्बिंग तो हम उस वक्त हुए थे जब 2.5 साल से हमने आपके एक फाइल भेजी है नॉमिनेशन के लिए, और आप सिर्फ ये सरकार अनस्टेबल होने का इंतजार कर रहे थे. ये इसलिए है कि आप किसी को इनाम देना चाहते हैं उसके बाद, ये सरकार गिरने के बाद या गिराने के बाद जो कोशिश हो रही है, ये 12 MLC, इसलिए आपने अब तक ये फाइल रखी होगी. लेकिन मैं राज्यपाल का आदर करता हूँ, गवर्नर साहब है हमारे, उनके ऊपर भी दबाव हो सकता है किसी का, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा. लेकिन अगर इस प्रकार से स्पेशल सेशन बुलाने की बात होती है तो ये कानून के मुताबिक नहीं है. सुप्रीम कोर्ट कब अप्रोच करने वाली है शिवसेना से? ब्यूरो रिपोर्ट, SBN मराठी.